हेलो डी फॉर्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, क्योंकि डी फॉर्म सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपके 6 सब्जेक्ट जो हैं वे PCI के अकॉर्डिंग हैं। मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया है कि आपको फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, हॉस्पिटल फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोथेरापेटिक सब्जेक्ट की स्टडी करना होगा डी फॉर्म सेकेंड ईयर के अंदर। लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट है, मतलब जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट डी फॉर्म में मतलब एडमिशन लेगा, डी फॉर्म सेकेंडर में पहुंचेगा, तो उसको डी फॉर्म सेकेंडर के अंदर एक सब्जेक्ट की स्टडी करनी होगी, वह आपका है इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, साथ में ही आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट कराते चलेंगे, इन्वायरमेंट के जो भी टॉपिक होंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। और डी फॉर्म सेकेंडर हो गया, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो गया, इसमें आप एग्जाम को इंग्लिश में भी अटेंड कर सकते हैं, हिंदी में भी अटेंड कर सकते हैं। और जो मेरा थ्योरी है हिंदी इंग्लिश मिक्स का, एक नंबर का थ्योरी है अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, जिससे दोस्तों आपको इंग्लिश की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी और हिंदी की भी नॉलेज हो जाएगी और आप एग्जाम भी क्रॉस हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इन्वायरमेंट का क्या सिलेबस है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों देव फार्मेसी का प्रॉपर ऐप आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आपने अभी तक डी फॉर्म सेकेंडर का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों 1 ईयर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और फाइनल एग्जाम देव फार्मेसी के साथ अपने कंप्लीट कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि जो प्रीवियस वाले स्टूडेंट होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर वाले स्टूडेंट होंगे, उनके 100% एग्जाम अच्छे हुए होंगे, क्योंकि देव फार्मेसी के माध्यम से जो भी उनको नोट्स प्रोवाइड किया गया था, जो भी इंपॉर्टेंट बताया गया था, टोटल आपका फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट पास आउट हो जाएंगे, मतलब जिन्होंने अपना एग्जाम दे दिया है और डी फॉर्म सेकेंडर में आ चुके हैं, उनके लिए मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या सिलेबस पढ़ना होगा। तो इसमें आपके कई चैप्टर हैं जिसमें आपको सिलेबस को पढ़ना होगा। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको क्या पढ़ना होगा, बेसिक ऑफ इकोलॉजी, जिसमें आप इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। मतलब दोस्तों, इसमें जो भी आपके टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब डेली लाइफ में आप देख रहे हैं, तो दोस्तों वही टॉपिक आपको पढ़ना होगा। हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मतलब कंप्लीट कराएंगे और प्रॉपर आपको समझाएंगे भी, जिससे आपकी इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन होती चलेगी। और दोस्तों, इन्वायरमेंट का जो एग्ज़ाम होता है 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, मतलब 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको 15 से 20 नंबर एग्जाम में लाने होते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम जो होता है इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, तो इसको भी आपको साथ में पढ़ के चलना है। साथ में दोस्तों, एयर पोल्यूशन, सेकेंड चैप्टर में आप एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, उसके क्या क्या ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं, और दोस्तों जो भी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आपके एक्ट तैयार किए गए उन एक्ट के बारे में बताएंगे। थर्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपकी मतलब जो भी है मतलब टॉपिक होंगे, मतलब सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी पर वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जितना भी टॉपिक होगा आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराएंगे, जिससे दोस्तों आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, देव फार्मेसी के माध्यम से आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए जाते हैं, जितना आपके लिए सफिशियंट एग्जाम के लिए जितना सफिशिएंट होगा दोस्तों उतना नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जो चीज नहीं आने वाली है, मतलब ज्यादा से ज्यादा थ्योरी थोड़ी ना पूछता है डी फॉर्म में, आपको बस सफिशिएंट थ्योरी लिखना होता है। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर न्यू बेस 2024-25 कंप्लीट किया जाएगा। और दोस्तों, आप लोग अगर हमको सपोर्ट करते रहेंगे तो प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो दोस्तों देव फार्मेसी के ऐप से आपको ऐड होना
पड़ेगा, जहां पर आपको प्रॉपर लाइव क्लास की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एग्जिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड किए जाएंगे और जो भी मतलब आपको मतलब हेल्प चाहिए टोटल आपको ऐप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। लगातार अपने नोट्स तैयार करते रहिए, पीडीएफ तैयार करते रहिए और उसके बाद दोस्तों अपने नोट्स को अच्छे से मतलब पढ़ते रहिए, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपको देव फार्मेसी चैनल पर लगातार सेशनल एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी। स्टार्टिंग जब आपके कॉलेज की हो जाएगी तो आपके जब भी सेशनल एग्जाम होंगे प्रॉपर आपको सेशनल एग्जाम के इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बाद दोस्तों सेशनल एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। फिर फोर्थ चैप्टर में आपको सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद दोस्तों नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद दोस्तों डिजास्टर कॉज एंड हजार्ड्स फिर इसके बारे में पढ़ लेना, जिसमें सुनामी आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, इन सब टॉपिक के बारे में बात करना होगा। लास्ट में आपको पढ़ना होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत से एक्ट बनाए गए, जिन एक्ट के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। और दोस्तों ये वाले मतलब टॉपिक हैं, ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पढ़ना तो होगा ही। अगर आपको एक भी टॉपिक पूछ लेगा तब भी आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सिंपल सा सिलेबस है आपका एनवायरनमेंट का, नॉर्मल सा, इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है और दोस्तों ना तो इसकी कोई लेब होती है, बस आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद दोस्तों इतना सीरियस लेने वाला भी सब्जेक्ट नहीं है कि इसको मतलब फार्माकोलॉजी से आप तुलना कर रहे हैं कि जितना फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं उतना एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। नॉर्मल सा अगर आपको एनवायरनमेंट मतलब वातावरण की हमारी जानकारी है तो दोस्तों आपका पूरा एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाएगा। और डी फॉर्म सेकेंडर में आप आ चुके हैं मतलब सीनियर बन चुके हैं तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देव फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड करके अपने दोस्तों को शेयर करना, और उसके बाद अपने कॉलेज ग्रुप में, और उसके बाद दोस्तों जहाँ पर आपके दोस्त रहते हैं उन सबको वीडियो शेयर कर देना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।